विरासत में अगर कोई पिता अपने बेटे को कुछ दे सकता है तो वो संस्कार और कई प्रकार की सीखें होती हैं जो बचपन में हर पिता को अपने बेटे को देनी चाहिए। और वही मैं मानता हूँ कि मेरी असली विरासत है कि मैं कभी चुनाव लड़ूँ या कभी भी राजनीति में सक्रिय रूप से आऊँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि चुनाव में मैं वोट मांगने गया हूँ पब्लिक से, जनता के साथ सामने। और उस नाते, चूँकि वोट जब मांगने जाता है जनता सवाल उससे पूछती है, बहुत ही निचले स्तर पे समाज सेवा के रूप में अपने काम करता हूँ। तो अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए जो मुझसे लगता है मैं उस रूप में करता हूँ। मैं बहुत ही गलत व्यक्ति हूँ जिससे आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये तय करने वाला कोई होता ही नहीं हूँ। अगर उसमें अगर गलती से भी अगर अपन सोच भी लें कि कांग्रेस का विधायक आएगा, तो वो कड़ी ऐसी होगी जो विकास नहीं करेगी बल्कि विनाश करेगी, विकास की आती हुई सारी चीज़ों को क्रियान्वित होने में रोड़ा पैदा करेगी। मुख्यमंत्री रहते चुनाव कैंपेन को उनने लीड किया और ये दुनिया ने देखा। मैं तो मानता हूँ कि ये एक सम्मान से देखने वाला विषय, मैं अपने आप को उनका अगर बेटा नहीं मानूँ एक पल के लिए, तो एक मानता हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी ही बात है। मोहन सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? यदि 10 में से देखिए, तीन ये चार उचित पाँच नहीं छः सात होगा, हाँ ये उचित नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं नंबर देने वाला कोई नहीं होता, 10 में से 10 ही है। और उसके बाद आगे आगे कुछ डेट्स और हैं, वो समय के साथ साथ। देश भर में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की गूंज है, लेकिन इसी के साथ मध्य प्रदेश के एक विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर देश भर की निगाहें। इसके पीछे की वजह यह है कि शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय कृषि मंत्री बने, उनके सांसद बनने के बाद बुधनी विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत कर संसद पहुंचे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस सीट पर शिवराज सिंह चौहान कभी मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते थे, वहाँ अब उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है। कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर भी चर्चाएँ कई तरह की हैं। कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की विरासत कार्तिकेय सिंह चौहान संभालेंगे और उम्मीदवार भी वही होंगे, लेकिन पार्टी ने रमाकांत भार्गव को वहां से प्रत्याशी बनाया। उसके पीछे क्या वजह थी इसको भी हम जानेंगे और कार्तिकेय की आगे भविष्य की रणनीति क्या है इसको भी हम जानेंगे। खुद कार्तिकेय सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। कार्तिकेय जी, लोकमत में आपका स्वागत है। लेकिन हम बात करें तो सबसे पहले, क्योंकि बुधनी विधानसभा सीट का उपचुनाव हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान वहाँ से जीत कर विधानसभा पहुँचते रहे और ये कहा जा रहा था कि शिवराज जी के बाद जो राजनीतिक विरासत है या शिवराज जी की विरासत है वो कार्तिकेय सिंह चौहान संभालेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है परिवारवाद आड़े आ गया या फिर कोई और दूसरी वजह? देखिए, विरासत में अगर कोई पिता अपने बेटे को कुछ दे सकता है तो वो संस्कार और कई प्रकार की सीखें होती हैं जो बचपन में हर पिता को अपने बेटे को देनी चाहिए। और वही मैं मानता हूँ कि मेरी असली विरासत है, मेरे संस्कार आदर्श, जो बड़ा नेता बनते हुए देखा, उस सफ़र को, उस सफ़र का जो मैं हिस्सा रहा और वो सब अनुभव करने का मुझे मौका मिला, मेरे लिए ये विरासत है। मैं राजनीतिक सीट को फिर से, मतलब उनके बाद इस सीट पर चुनाव लड़ना, इसको मैं विरासत नहीं मानता। और आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, बहुत सीनियर हैं और तब से साहब के साथ हैं, पिताजी के साथ हैं, जब से मतलब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, कई संघर्ष उनने देखे हैं। और वो क्या, मुझसे ज़्यादा कई और बड़े नेता हैं जिनको टिकट मिलता तो मुझे खुशी होती। आदरणीय दादा सबसे वरिष्ठों में से एक हैं, इसलिए पार्टी ने फैसला किया कि उनको इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। सांसद रह चुके हैं, कोऑपरेटिव में रह चुके हैं और काफ़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। मैं मानता हूं कि मुझसे बेहतर कैंडिडेट वो हैं और कोई भी अगर पार्टी से लड़ना मुझे उतनी ही खुशी होगी। कार्तिकेय जी, रमाकांत भार्गव तो प्रत्याशी हैं, लेकिन हमने भेरुंदा में देखा या फिर बुधनी विधानसभा सीट पर हमने खुद देखा जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं उसमें रमाकांत भार्गव के साथ आपका फोटो भी नज़र आ रहा है। एक तरीके से कहें तो क्या सिर्फ पार्टी का चेहरा रमाकांत भार्गव है और चुनाव कार्तिकेय लड़ रहे हैं? मैं एक कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी की तरफ से, देखिए मैं विचार के लिए काम करता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार, इनके विचारों पर पार्टी आधारित है और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने तरफ दिए हुए दायित्वों को इन विचार की प्रति, मतलब पूरे समर्पण के साथ करता है। तो मैं भी उस विचार के लिए काम करता हूं और एक आम कार्यकर्ता के रूप में
मेरा काम रहता है, वो अलग बात है कि इतने समय से काम करते करते लोगों का मुझसे लगाव है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है कि लोग मुझे इस दृष्टि से देखते हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता से ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ। कार्तिकेय के जो चुनावी ट्रेनिंग है वो तो 2018 में हमने देखा था, आपने चुनाव कैंपेन संभाला था। 2023 में आपने चुनाव संभाला था, जो बाई इलेक्शन हुए थे तब भी आप चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। तभी इसे माना जा रहा था कि अब कार्तिकेय सिंह चौहान की राजनीतिक पारी एक तरीके से शुरू होने वाली है। मैंने किसी मंशा के साथ काम नहीं किया। 2012 में पहली बार मैं लोगों के बीच मैंने जाना शुरू किया। उस समय मैं स्कूल से निकला था और कुछ समय था, तो मैंने सोचा कि ज़रा पिताजी के क्षेत्र में जाके देखा जाए। उसके बाद से ये सफ़र, आज 2024 हो गए, 12 साल हो गए, तब से लेकर आज तक मैंने इस बात का कभी, मुझे वो नहीं था कि मैं कभी चुनाव लड़ूं या किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा मेरे मन में नहीं थी। जो भी मैंने किया ये एक विचार के प्रति, मैं मानता हूँ कि अंत्योदय का विचार हमारे देश का विचार होना चाहिए। मैं नहीं मानता उन सब चीज़ों में जिसको कांग्रेस अपनी विचारधारा मानती है। तो अपने विचार की लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने 12 साल काटे हैं और आगे भी मेरा कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं कभी चुनाव लड़ूं या कभी भी राजनीति में सक्रिय रूप से आऊं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि चुनाव में मैं वोट मांगने गया हूं पब्लिक से, जनता के साथ सामने, और उस नाते, चूँकि वोट जब मांगने जाता है जनता सवाल उससे पूछती है, उस नाते कार्यकर्ता होने के नाते जो भी मेरे प्रति पार्टी जिम्मेदारियां देगी वो मैं करूंगा। कुर्ता पजामा तो आपने पहन लिया, आपने बोला था कि कुर्ता पजामा मैं ज़रूर पहनाऊं लेकिन राजनीति में अभी नहीं हूं। आप कह रहे हो 2012 से मैं राजनीति में आ गया हूं, एक तरीके से शुरुआत हो गई, इतना लंबा अनुभव हो गया। यदि आने वाले समय में पार्टी कहती है कि कार्तिकेय आप चुनाव लड़ो या किसी पार्टी में बड़े पद पर आओ, तो क्या कार्तिकेय उसके लिए तैयार हैं? कुर्ता पजामा तो भारत की संस्कृति है, ऐसा नहीं है कि पैंट शर्ट नहीं पहनता, सब कुछ पहनता हूँ। तो कुर्ता पजामा पहनने में गर्व भी है, अच्छा भी है, कंफर्टेबल भी है। जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी के बड़े लोग ये फैसला करते हैं। इसमें हम अपनी राय दें, सवाल पूछें, जवाब दें, इसका कोई औचित्य ही नहीं। नहीं, लेकिन यदि कभी पार्टी आगे बोलती है कि आप इस पद पर आएँ या ये जिम्मेदारी संभालें, तो कार्तिकेय उसके लिए तैयार हैं? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही निचले स्तर पे समाज सेवा के रूप में अपने काम करता हूँ। तो अपनी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए जो मुझसे लगता है मैं उस रूप में करता हूँ। मैं बहुत ही गलत व्यक्ति हूँ जिससे आप ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं ये तय करने वाला कोई होता ही नहीं हूँ, पार्टी से मांगने वाला कोई मैं कौन हूँ? लेकिन पार्टी कहेगी तो आप तैयार हैं? मैं मांगने वाला होता ही नहीं हूँ, तो मैं ये सोच भी कह सकता हूँ कि पार्टी मुझसे कभी कुछ कहेगी, कि मेरे चिंतन का विषय नहीं है। मेरे और जो काम आते गए, मेरा काम है उनको, उनका निर्वहन करना, उनको अच्छे से पूरे अपने दायित्वों का निर्वहन करना, उन कामों को बल देना। अगर पार्टी कहती है कि युवा मोर्चा में जान भरो तो युवा मोर्चा में जान भरना, अगर पार्टी कहती है कि चुनाव में अगर आपको कुछ किसी प्रकार की जिम्मेदारी है, कुछ लोगों को संभालना है, अगर जनता में अच्छा वातावरण बनाने, तो वो मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। बाकी मेरी कोई महत्वाकांक्षा ऐसी है। कार्तिकेय, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके बयान इन दिनों सुर्खियों में बन रहे हैं। आपने बुधनी के चुनाव मैदान में, यदि गलती से कांग्रेस आ जाती है, कांग्रेस वैसे आएगी नहीं, कांग्रेस यदि जीत जाती है तो ईंट तक नहीं लगेगी, और आपके इसी बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने आपत्ति उठाई, आपने उन्हें चाचा जी भी कहा, तो क्या आपको लगता है कि ये मंझे हुए नेता या फिर कहीं कोई चूक हुई है या आपके बयान का कोई और मायने था? हम उसको समझना चाहेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। जब 1993 में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने और 2003 से वो मुख्यमंत्री थे, तब बुधनी विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। ये कांग्रेस के सभी मित्र कहते हैं, विधायक उनके, मंत्री उनके पास, शिक्षा मंत्री थे, आज जो प्रत्याशी हैं वो शिक्षा मंत्री थे उस समय, और मुख्यमंत्री भी उनकी सरकार के। तब बुधनी में जो वो ईंट नहीं लगा पाए, तो ये मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी को आप देखिए, आज बुधनी के लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बुधनी के लोगों ने मुख्यमंत्री चुना है आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। बुधनी के लोगों ने सांसद चुना है श्री शिवराज सिंह चौहान जी को,
बुधनी के लोगों ने चुनाव तो अभी से एक साल पहले ऑलरेडी विधायक का कर दिया था। बुधनी के लोगों की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो अगर उसमें अगर गलती से भी अगर अपन सोच भी लें कि कांग्रेस का विधायक आएगा तो वो कड़ी ऐसी होगी जो विकास नहीं करेगी बल्कि विनाश करेगी, विकास की आती हुई सारी चीज़ों को क्रियान्वित होने में रोड़ा पैदा करेगी। ये बात मैंने कही, इसमें तो प्रैक्टिकलिटी और आदरणीय चाचा साहब को इस बात को समझना चाहिए, उनकी सरकार रहते हैं जब कुछ नहीं कर पाए तो दूसरी सरकार में उनमें इतना वो नहीं है कि वो विकास के कार्यों को आगे बढ़ा पाए। लेकिन बुधनी के उपचुनाव में तो कांग्रेस भी यही सवाल कर रही है कि 20 साल शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे, कितना विकास हुआ बुधनी का, कितने लोगों को रोजगार मिला, जीतू पटवारी मन से पूछ रहे हैं। राजनीति पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और आरोप प्रत्यारोपों का जवाब जनता विधानसभा चुनाव में लेती है। विधानसभा चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं, लोकसभा चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं। जीतू पटवारी जी को जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, बड़े नेता हैं लेकिन खुद की विधानसभा सीट भी जिता नहीं पाए, अपनी विधानसभा सीट में बुरी तरीके से वो हारे, कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं की स्थिति है। तो जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं, जनता ने अभी अभी जवाब दिया है और अभी आने वाले 4-4.5 साल जितने भी साल बचे हैं उनको इस जनता के जवाब के साथ जीना पड़ेगा। कार्तिकेय जी, दो सवाल और जानना चाहूँगा। एक तो बीते दिनों आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी, शिवराज जी भी थे, पूरा परिवार था, उसके बाद काफ़ी चर्चाएं हुई कि आपके नाम को लेकर के आपका नाम आगे बढ़ाया जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या सिर्फ शादी का निमंत्रण भर देना था या फिर और भी कोई वजह, कोई चर्चा हुई? प्रधानमंत्री जी हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं और इस बुधनी की सीट के लिए मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं उनके सामने, क्योंकि मैं मांगने वाला कोई नहीं हूँ, श्रद्धा के केंद्र हैं। पिताजी उनकी कैबिनेट में है और इस नाते चूँकि दोनों, कुणाल मेरा छोटा भाई है, उसकी भी शादी अभी तय हुई है और हम दोनों आगे पीछे ही कर रहे हैं, तो हमने एक सहज और सरल निमंत्रण और उसी दृष्टि से केवल हम गए थे। वो तो समय ऐसा था कि चुनाव के पहले, लेकिन उसका कोई गलत मायना नहीं निकालना चाहिए, मैं मानता हूँ कि अगर कोई गलत मायना निकाल भी रहा है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण। एक बयान के और कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, आपने कहा था कि शिवराज जी के आगे तो हमारे नेताजी के आगे तो पूरी दिल्ली नतमस्तक है। हाँ, अब उसको भी मैं सफाई, हालांकि मैं कई बार देना नहीं चाहता, लेकिन दिल्ली से लेकर कश्मीर, कन्याकुमारी जितने भी राज्य हैं उनमें इस बात की चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव में बुधनी विधानसभा की जनता ने 1,05,000 वोट से उनको जिताया, एक तरफा, ऐसे रिकॉर्ड मैं मानता हूँ कि इतिहास में कुछ ही है। मुख्यमंत्री रहते लाडली बहना योजना जो कई कारणों में से एक कारण बनी, पार्टी का संगठन, पार्टी की कलेक्टिव लीडरशिप और सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। लेकिन इसमें भी मुख्यमंत्री रहते चुनाव कैंपेन को उनने लीड किया और ये दुनिया ने देखा, मैं मानता हूँ कि ये एक सम्मान से देखने वाला विषय, मैं अपने आप को उनका अगर बेटा नहीं मानूँ एक पल के लिए तो एक मानता हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी ही बात है उस नाते मेरा वो। लेकिन आपको लगता है रिकॉर्ड वोटों के साथ वो जीते थे और एंटी इनकम्बेंसी और तमाम तरह की बातें की जा रही थी, ऐसे में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ तो शिवराज जी प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के? ये तय करने वाला भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में ये सब चीज़ें तय नहीं, पार्टी कभी, पार्टी का कोई व्यक्ति यहाँ पर विशेष नहीं है, विचार विशेष है और विचार के बारे पे जो फैसले होते हैं, कौन विचारों को आगे बढ़ाएगा, ये कलेक्टिव लीडरशिप इन फैसलों को लेती है और आज कलेक्टिव लीडरशिप ने कोई और फैसला लिया वो। लेकिन देखिए इस बात को ऐसे भी देखना चाहिए कि मैं इनके लिए उत्तरदायी नहीं, पार्टी क्या सोचती है, लीडरशिप क्या सोचती है, मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए, सही मायनों में मेरे तो विषय भी ये है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कहता हूँ कि लीडरशिप यहाँ फैसले करती है और वही बुधनी में हुआ, वो हर कहीं हुआ, हमने कई बार देखा और भारतीय जनता पार्टी आज भी ताकत के साथ देश में
अच्छी सरकार चला रही है कई प्रदेशों में, उड़ीसा में, हरियाणा में वापस हमारी सरकार आई है, तो पार्टी ने जो भी फैसले किए पार्टी की अच्छाई की है और मैं उसका स्वागत। शिवराज जी को जो टास्क मिला है झारखंड का प्रभारी उनको बनाया गया है, आपको लगता है ये टास्क है मुश्किल टास्क है, क्योंकि वहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार है और शिवराज जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है साबित करना है? फिर से इसका उत्तर देने से पहले विनम्रता से, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, क्षेत्र में काम करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने अगर उनको फैसला दिया है तो पार्टी ने उनको अगर ये जिम्मेदारी दी है तो मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ जैसे उन्होंने पहले चुनाव लड़े हैं वो लड़ेंगे। पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं वो और विचार के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं। आशा करता हूँ जो भी पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है उसका वो निर्वहन करते हुए झारखंड में हमारी सरकार बनाए। ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि पार्टी के लिए होगी, पार्टी के वहाँ के स्थानीय नेताओं के लिए होगी और सबसे ज़रूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में ये हो रहा है। तो ये एक तरीके से पार्टी के विराट रूप को एक और सम्मान के रूप में सुशोभित करेगा। मोहन सरकार को एक साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, अब शिवराज जी की जगह मोहन जी ने जो है कमान संभाली थी, इस एक साल को आप कैसे देख रहे हैं? वाकई में लगता है कि आपको कि प्रदेश में शिवराज जी की योजनाओं को जारी रखा गया है या उसके पलट और तेज़ी के साथ विकास हो रहा है? नई पुरानी योजनाओं को तो आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने चालू रखा ही है, लाडली बहनाओं की योजना हो और आगे उन्होंने कल के कार्यक्रम में चकलदी की धरती पर वो आए थे लाड़कुई वो कार्यक्रम करके गए, उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना केवल चलती नहीं रहेगी लेकिन जो वादा पहले सरकार ने किया था लगातार इसमें पहले 1200 और उसके बाद अधिक राशि बढ़ेगी, उसका भी आज मोहन यादव जी ने उसकी बात रखी। लेकिन विशेष बात यह है कि उनके नेतृत्व में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो अपने आप में सराहनीय है। क्षेत्रीय इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव करके वो उनका ध्यान क्षेत्र में कैसे बड़ी व्यापारों को उद्योगों को लाया जाए और क्षेत्र की जनता को कैसे फ़ायदे हों, अगर प्रदेश में निवेश आता है तो केवल चंद शहरों तक वो सीमित क्यों रहना चाहिए, अगर दूसरे क्षेत्र में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, अगर बिजली पानी की व्यवस्था है, तो मानता हूँ कि उन क्षेत्रों में भी बड़े कारखाने फैक्ट्रीज बड़े उद्योग आ सकते हैं। तो उनके इस कदम की मैं सराहना करता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से अलग अलग जगह रीजनल कॉन्फ्रेंसेस करी, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया पब्लिक से, मैं आशा करता हूँ इन्वेस्टर्स आए। और मोहन सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? यदि 10 में से 3, 4, 5, 6, 7 ये उचित नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं नंबर देने वाला कोई नहीं होता, 10 में से 10 ही है, उसमें कोई मैंने मेरा और मेरा कहना ये उचित नहीं है कि मैं इतने बड़े नेता इतनी बड़ी पार्टी की सरकार को नंबर से कैलकुलेट करूँ, मुझे ये शोभा नहीं देगा, वो सबसे बेहतर सरकारों में से एक है। आप वैवाहिक बंधन में बनने वाले हैं, क्या तारीख तय हो गई कि आप लोग कब तक कहने? आपके माध्यम से मैं आप सबको भी आमंत्रित करूंगा, तारीखें आ चुकी हैं, 8-9 तारीख को हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम है, 8-9 फरवरी को हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम है, वहाँ पे हम सभी क्षेत्रीय जनता को मध्य प्रदेश की जनता को आमंत्रित करना चाहते हैं, सबको बुलाया जाएगा, भोजन कराया जाएगा। 8 और 9 यानी कुणाल और कार्तिक की 8 फरवरी को हम अपने गांव में पंगत करेंगे। अच्छा। और 9 फरवरी को हम क्षेत्रीय माने सबके लिए हम पंगत रखेंगे, तो उसमें सब आमंत्रित हैं और उसके बाद आगे आगे कुछ डेट्स और हैं वो समय के साथ साथ। तो कार्तिक आपको आगामी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, वैवाहिक बंधन में बनने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कार्तिक सिंह चौहान हैं जो इस समय बुधनी विधानसभा सीट के उपचुनाव में मोर्चा संभाले हैं, बीजेपी के पक्ष में धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारी उनके ऊपर है। शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने झारखंड का प्रभारी बनाया है और कार्तिक के बुधनी में पार्टी का एक बड़ा चेहरा होकर चुनाव प्रचार करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है और उन्होंने हमारे साथ वो तमाम बातें साझा की कि उनके बयानों के आखिर क्या मायने थे और क्या उनके आने वाले समय में जिम्मेदारियां होंगी वो पार्टी तय करेगी वो तय नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर कार्तिक सिंह चौहान आने वाले दिनों में किस रूप में नज़र आते हैं, क्या वो राजनीतिक रूप में नज़र आएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस कार्तिक सिंह चौहान के इंटरव्यू से जुड़ा कोई भी सुझाव या कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें दे सकते हैं। नमस्कार।